हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में, आप जान लीजिए देश के मौसम का अपडेट। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव से आ रही है, जहां उल्हास पाटिल मेडिकल हॉस्पिटल में पानी भर चुका है। बारिश का पानी मरीजों के बेड तक जा पहुंचा है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कहां कहां पहुंच चुका है मॉनसून, ये जान लीजिए इस मैप के जरिए। तो अब आपको अस्पताल के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसका जिक्र मेरी सहयोगी कुमकुम कर रही थी। लेकिन ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि कब कब कहां कहां पहुंचेगा मॉनसून और कहां कहां हिट कर चुका है। हमने जैसा कि आपको बताया था कि केरल को सबसे पहले हिट किया, 1 जून की बात है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 5 जून को ये कर्नाटक और उसके ऊपरी इलाकों में हिट किया, 10 जून को ये आगे बढ़ गया। तो देखिए 13 जून को महाराष्ट्र में पहुंचा और उसके अलावा 14 जून को ये, 15 जून को ये मध्य प्रदेश गुजरात के आसपास पहुंच जाएगा, 20 जून से गुजरात के उत्तरी इलाकों से होता हुआ उत्तर भारत की तरफ बढ़ जाएगा और 25 जून को ये शेष भारत की तरफ, 25 से 30 जून के बीच पूरे भारत में इसका प्रसार हो जाएगा। ये आपको हम तस्वीरें इस वक्त जलगांव के अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे हॉस्पिटल में पानी पानी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पानी में स्ट्रेचर ले जाते हुए मरीज को, उसका तीमारदार आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आप सोचिए, एक तो कोरोना ऊपर से मॉनसून की मार, मुंबई कर परेशान है, मरीजों का बेड देखिए पूरी तरह से लबालब पानी तक भर चुका है। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी सड़क पर ये पूरा सामान रख दिया गया हो। कोई कह सकता है कि ये किसी अस्पताल के अंदर का वार्ड होगा? ये पानी की धार देखिए कितनी तेज है, कितनी तेजी से पानी एंटर कर रहा है अस्पताल के अंदर, और इस हिसाब से लग रहा है कि कुछ देर बाद पूरा अस्पताल लबालब पानी से भर जाएगा। लेकिन देखिए बेड्स तैरने को मजबूर हो गए हैं, यहीं पर मरीजों का इलाज भी चल रहा है और यहीं पर पूरा अस्पताल के वार्ड में पानी भर चुका है। देखिए जलगांव में बारिश इतनी तेज हुई कि पानी न केवल अंदर भर गया बल्कि धार के साथ तेजी से बहता हुआ पानी भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अब इस गंदे पानी में मरीजों का इलाज होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा मरीजों को, तो और क्या होगा? ऐसे गंदे पानी में इलाज करके तो स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाए।